देहरादून में एसएसपी के निर्देशन में दून पुलिस ने अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की। इस दौरान जनपद के नगर व देहात क्षेत्रों में पुलिस की अलग अलग टीमें गठित कर स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की। पुलिस ने पहले आवागमन को बाधित करने वाले दुकानदारों, फल ठेली संचालकों को चिन्हित किया। उसके बाद 84 दुकानदारों एवं प्रतिष्ठित स्वामियों के विरुद्ध 48 अभियोग पंजीकृत किए गए। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ये देखिए, हमारी जो सिटी एवं देहात के थाना पुलिस द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में, जहाँ की एक प्रकार से जो फुटपाथ है जो कि पब्लिक के आवागमन के लिए है, वहाँ पे एक अस्थाई या अस्थाई तौर पे अतिक्रमण कर रखा था। फड़ हैं, खोके हैं या अपने कोई सामान वगैरह रखा हुआ था और फुटपाथ के किनारे पे, तो उसके ऊपर जो है व्यापक रूप से अभियान पूरे जनपद में चलाया गया था। उस अभियान के तहत जो है तकरीबन 84 लोगों के ऊपर जो है एफआईआर पंजीकृत की गई थी, जिसमें तो कुल मिला के 48 मुकदमे और 84 व्यक्ति, इनके विरुद्ध एफआईआर जो हमारे बीएनएस की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत है वो पंजीकृत की गई थी।